हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आज की यात्रा के नए ब्लॉग में। और जैसे कि कल लाइव आकर मैंने आप लोगों से बताया था दोस्तों कि कल ठंड भी ज़्यादा थी और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं चली इन दिनों। मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि आज मौसम कुछ ठीक ठाक है तो चलना चाहिए। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मार्ग मिला कि गतिविधियों का नज़ारा दिखाना चाहिए। तो आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम। तो इससे पहले की वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं, क्या क्या होना बाकी है और कैसे चलने हैं प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2023 की तैयारियाँ, तो आपने देखा था। तो आज फिर से हम आप लोगों को दिखाएंगे कि उस दिन से और आज में कितना फ़र्क है, और उस दिन की अगर बात करें तो उस दिन कितनी तैयारियां हुई थी और आज कितनी हो चुकी हैं, ये आप अभी हमारे साथ तस्वीरों में देखेंगे। तो आज हमारे साथ जो है छोटे भाई अवनीश कुशवाहा जी हैं और जो कि हमारे सहयोग में हैं। तो अभी हम दोनों लोग चलते हैं और आप लोगों को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का संगम नोच का पूरा तटवर्ती इलाका सिर्फ आज दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसी चल रहे हैं माघ मेला 2023 की तैयारियाँ। बता दें कि प्रयागराज में लगने वाला जो माघ मेला होता है या फिर कुंभ हो या अर्ध कुंभ हो महाकुंभ हो जो भी हो, तो सबसे जो प्रमुख स्थान है वो है त्रिवेणी संगम, और त्रिवेणी संगम में ही होता है संगम नोज, क्योंकि यहीं पर तीनों नदियों का मिलन होता है और इसी जगह का ज़्यादा विशेष महत्व होता है प्रयागराज में। तो अभी यहाँ पर ही प्रमुखता से बनाए जाते हैं स्नान घाट, क्योंकि यहीं पर जो है लोगों की भक्तों की आस्थावानों की भीड़ ज़्यादा लगती है और यहीं पर जो है लोग कल्पवास चाहे जहाँ करें माघ मेला के परिक्षेत्र में चाहे जहाँ रहें, लेकिन जो प्रमुख स्नान होंगे तो जो स्नान होगा वो स्नान यहीं आकर करेंगे, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम है और यहीं पर तीनों नदियों का मिलन होता है, तो ये प्रमुख स्थान है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी तैयारियाँ हो गई हैं और कैसी हैं, कितना होना बाकी है, तो यह भी हमारे साथ आप तस्वीरों में देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और आप लोगों को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का यानी संगम नोज का पूरा तटवर्ती इलाके का नज़ारा दिखाते हैं। तो आइए यहाँ से यात्रा की शुरुआत करते हैं, यहाँ से हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले आपने तस्वीरों में देखा था कि माघ मेला 2023 की जो तैयारियाँ चल रही थी, जो स्नान घाट बनाए गए थे, तो ये कासा वगैरह नहीं बिछाया गया था, लेकिन अभी आप देखेंगे तस्वीरों में कुछ इस तरह से जो है कासा वगैरह बिछा दिया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु कोई भी भक्त स्नान करके निकले तो उसके पैर में रेत वगैरह न लगें, और जो अपने साथ वो सामान या कपड़े वगैरह लेकर आते हैं तो यथास्थान यहाँ पर रख दें, वो गंदे ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर ये कासा बिछा दिया गया है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और इधर की बात करें तो एकदम किनारे लेकर चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं ये सेफ्टी जोन बनाया गया है, इसके आगे आप नहीं जा सकते, कुछ इस तरह से बनाया गया है, और यहीं पर आप स्नान करेंगे। और साथ ही ये बोरियों के जरिए ये पक्का घाट बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं, और ये इसलिए बनाया गया है कि ताकि कोई दलदल ना हो, दलदल में कोई फंसे ना, और इन बोरियों में रेत भर के कुछ इस तरह से इसको मेंटेन किया गया है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, और ऐसे रख दिया गया है ताकि स्नान करने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ये स्नान घाट बहुत ही बेहतर तरीके से बनाए गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। और इधर आप देख सकते हैं ये कासा वगैरह कुछ इस तरह से बिछाया गया है। अभी हम लेकर चलते हैं आप लोगों को सीधा संगम नोच की तरफ और दूर तक दिखाएंगे कि कहाँ तक बिछाया गया है ये कासा, अभी आगे बिछाया जा रहा है या फिर बिछ चुका है, तो ये हमारे साथ देखेंगे। और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ से नज़ारा दिखा दूँ त्रिवेणी संगम का, यहाँ से आप नौकाएँ देख सकते हैं, ये है नज़ारा प्रयागराज की त्रिवेणी संगम का, यहाँ पर नौकाएँ आप देख लीजिए, पानी में सिर्फ नौका ही नौका आपको दिखाई देगी और बहुत सारी नौकाएँ यहाँ पर हैं इन दिनों। बता दें कि जो प्रयागराज में आस्थावान जो श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं, साथ ही त्रिवेणी संगम का जल विहार करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये नौकाएँ हैं, ये आप देख सकते हैं। और आइए हम आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं आप लोगों को, दिखाते चलें कि पूरा स्नान घाट यहाँ से त्रिवेणी संगम तक कैसा बना है, तो ये हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि निरंतर दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता चला आया हूँ प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2023 की तैयारियों का नज़ारा, तो आज हम फिर से आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ भी, ये आप देख सकते हैं इधर भी कासा वगैरह बिछाया जा रहा है और ये काफ़ी बड़े परिक्षेत्र में बिछाया जाएगा, क्योंकि लाखों लाख की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की और भक्तों की भीड़ जमा होगी, तो उसके मद्देनज़र यहाँ पर तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों पर है, ये आप देख सकते हैं इधर
ये निरंतर कासा वगैरह इधर भी बिछाया जा रहा है। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2023 की है। ये नौकाएं वगैरह इधर आप देख सकते हैं, बहुत सारी नौकाएं इधर आपको देखने को मिलेगी। और नौकाओं के ज़रिए जो आने जाने वाले पर्यटक हैं वो त्रिवेणी संगम का जल विहार करते हैं, त्रिवेणी संगम घूमते हैं। और जो स्नान घाट है वो कुछ इस तरह से बनाए गए हैं, ये आप तस्वीरों में देखेंगे, हम थोड़ा सा बिल्कुल नज़दीक से आप लोगों को दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये सेफ्टी जोन है, इसके आगे आप नहीं जाएंगे, यहीं पर इसके अंदर ही आप, इसके बाहर ही आप स्नान करेंगे। ये आप देख सकते हैं बोरियों के ज़रिए घाट को पक्का किया गया है, काफ़ी ठोस है ये, क्योंकि इन बोरियों के अंदर रेत भरा गया है, रेत भरकर जो है इसको इस तरह से घाट बनाया गया है। और इधर आप देख सकते हैं लोग बाग कासा बिछा रहे हैं निरंतर, अभी से ही दूर दराज से पर्यटकों का तांता यहां पर लगने लगा है, लोग बाग आने लगे हैं और बहुत दूर दराज से लोग यहां पर आते हैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के दरमियान। तो इधर आप देख सकते हैं तस्वीरें कुछ ऐसी हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज की। और जैसा कि हमने बताया था कि आज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पूरा स्नान घाट दिखाएंगे, स्नान घाट कैसे बनाए गए हैं और स्नान घाट को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं। इधर भी हम आप लोगों को दिखा दिए, आप देख सकते हैं इधर भी कासा बिछाया जा रहा है। और अभी जितना परिक्षेत्र आप पीछे देख रहे हैं ये सारा सारा परिक्षेत्र कासा से भर दिया जाएगा, पूरा कासा बिछा दिया जाएगा। और इधर वाहन वगैरह नहीं आएंगे, आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहाँ पर रस्सा बांध दिया गया है, उधर से जो है इधर वाहन नहीं आएंगे, आप पैदल आ सकते हैं, क्योंकि जब वह मुख्य जोन है जहाँ पर श्रद्धालुओं की और भक्तों की भीड़ ज़्यादा लगती है। तो जो यहाँ पर स्नान घाट के समीप ही जो कासा बिछाया जाता है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये कोई संत जी हैं और इनको अच्छी खासी नींद आई है यहाँ पर, बता दें कि स्थान भी ऐसा है कि अनायास यहाँ पर किसी को भी नींद आ जाएगी, तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। और इस कासे का क्या क्या उपयोग है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से आराम कर रहे हैं लोग। और इधर भी आप देख सकते हैं ये एक अंकल जी हैं, ये भी जो है नींद में हैं। और इधर बहुत सारे लोग हैं जो बैठ कर यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, ये तो पूरी तरह से नींद में हैं और ये नींद शयन कर रहे हैं गंगा तट के इलाके, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे काफ़ी गहरी नींद में है ये सो रहे हैं। तो ये हैं यहाँ पर भी बिछाए जाने वाले कासे के फ़ायदे, तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है माहौल इस वक्त त्रिवेणी संगम का। और साथ ही आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे यहाँ की तैयारियाँ, अभी निरंतर हम आप लोगों को लेकर आगे चलते हैं और दिखाते हैं पूरा का पूरा माघ मेला 2023 का नज़ारा ये। तो ये आप देख सकते हैं और बता दें कि आज हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम स्थित स्नान घाट का नज़ारा दिखाएंगे और दिखाएंगे कि तस्वीरें कैसी हैं। इससे पहले की तस्वीरें कैसी थी वो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो में जाकर देख सकते हैं ये। लेकिन जो अभी की स्थिति है, जो अभी का समय है कुछ ऐसा है ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही मनोहर दृश्य है इस समय का। और ये जो बैरिकेडिंग की गई है पानी में, जो बनाया गया है सेफ्टी जोन, ये आप देख पा रहे होंगे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नदियाँ बिल्कुल अलग सी बह के आ रही हो पानी से, हैं ऐसा लग रहा है। और ये जो बोरियों के ज़रिए जो ये स्नान घाट बनाया गया है ये बहुत बेहतर है, मतलब कि इससे पहले जब यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाया करते तो यहाँ पर कीचड़ और दलदल की स्थिति हुआ करती थी, यहाँ से पैदल चलना भी दूभर हुआ करता था। लेकिन इन दिनों जैसे कि प्रयागराज में माघ मेला 2023 की तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं, तो उसके दरमियान यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतर तरीके से जो है यहाँ पर स्नान घाट को जो है मेंटेन किया जा रहा है और कर दिया गया है। और साथ ही ये जो परिक्षेत्र आप इधर पूरा खुला हुआ देख रहे हैं, तो इधर जो है पूरा का पूरा
कासा बिछा दिया जाएगा ताकि जो भी श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, स्नान करके जब बाहर निकले तो उनके पैर में रेत वगैरह ना लगे और साथ ही वो आसानी से अपने वस्त्र वगैरह बदल सकें और साथ ही यहाँ पर अपने जो साथ में लाए गए सामान है या कपड़े वगैरह वो यहाँ पर रख दें, उनका गंदा ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर कासा बिछाया जाता है। और थोड़ा सा सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा, इधर आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये वॉच टावर है। ये विशेषकर वॉच टावर जो है निगाह रखने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। जो साथ ही जो है इससे पहले की तस्वीरों में जब आपने देखा था तो यहाँ पर जो है कपड़े में बदलने वाले जो जोन हैं वो नहीं बनाए गए थे, लेकिन अभी महिलाओं के वस्त्र बदलने का ये जो है बना दिया गया है। और तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, पहले की अपेक्षा आज कुछ ऐसी है माघ मेला 2023 की तैयारियां। और इधर की तस्वीरें आप देख लीजिए, ये त्रिवेणी संगम की तस्वीरें हैं पूरी पूरी। और तो इस तरह से तस्वीरें हम आपको प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2023 से संबंधित जितनी भी तैयारियां थी निरंतर आपको अवलोकन करवाते रहें। और आज भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसा माहौल है इस वक्त प्रयागराज में लगने वाली माघ मेला 2023 की तैयारियों को। बता दें कि 6 जनवरी को प्रथम स्नान है, प्रथम स्नान के दृष्टिगत तैयारियां काफ़ी जोरों पर है। जिस तरह से तैयारियां चली हैं ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि इस तरह से जल्दी से तैयारियां हो पाएंगी। और ये कासा बिछाने का मुख्य कारण ये है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लोग बाग बैठ कर जो है ये कासा में यानी कि आनंद लेते हैं ताकि उनके कपड़े वगैरह गंदे ना हों और उनको किसी भी तरह कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी ये कासा बिछाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि पूरे त्रिवेणी संगम का जो तटवर्ती इलाका है उसका नज़ारा दिखाएंगे, कहाँ तक बिछा है कासा और कहाँ तक नहीं। तो इधर की तस्वीरें हम आपको दिखा दें, ये महिलाओं के वस्त्र बदलने के जो कैंट हैं वो बना दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हैं तस्वीरें और कासा वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े परिक्षेत्र में तटवर्ती इलाकों में बिछाया गया है। जैसे कि ये प्रयागराज का मुख्य जोन है, माघ मेला हो या कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो, जितने भी मेले लगते हैं तो उन सब का प्रमुख केंद्र बिंदु है यह। और साथ ही बता दूं कि प्रयागराज में जितने भी माघ मेला लगते हैं तो कल्पवासी जो आते हैं, जो दूर दराज से संत महात्मा लोग आते हैं, वो अपने टेंट तंबू पंडाल वगैरह चाहे जहां लगाएं लेकिन स्नान उनको प्रमुख स्नान दिवस के दिन यहीं पर आकर करना होता है। यहीं पर आकर वो लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं क्योंकि ये त्रिवेणी संगम है, संगम नोज। तो पहले की अपेक्षा आज की जो तस्वीरें हैं कुछ ऐसी हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। और इधर भी आप देख सकते हैं ये है कासा बिछाने का मुख्य कारण है। अब आप देख सकते हैं इधर ये कपड़े वगैरह जिस तरह से रख दिए गए हैं ताकि गंदे ना हों और लोग बाग कुछ इस तरह से बैठ सकें। तो ये आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। और इधर जो है ये पूरे परिक्षेत्र का नज़ारा दिखा दिया, इधर भी आप देख सकते हैं लोग बाग कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं। अगर ये कासा ना बिछाया गया होता तो इस तरह रेत में कौन बैठता है। हाँ, तो ये है कासा बिछाने का मुख्य कारण, ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। और इधर भी ये आप देख सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस के जवान भी तैनात हैं और अलग अलग जिलों से प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं वो मंगाई गई हैं। सब लोग निरंतर अपनी अपनी ड्यूटी में यहाँ पर लगे हुए हैं। और हमने उस पार तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, सेक्टर नंबर 3 का जोन है। सेक्टर नंबर 3 में भी काफ़ी ज़ोरों पर तैयारी है, यानी बता दें कि जिस पल का इंतज़ार था कि कब बसेगी तंबुओं की नगरी, तो तंबुओं की नगरी बस चुकी है, लोग बाग यहां पर आ चुके हैं। ये प्लांटून नंबर 1 है, महावीर पांटून, तो ये आप देख सकते हैं यानी कि महावीर पुल है ये जो सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पहले ही। और अभी थोड़ा बहुत जो विद्युत विभाग का काम है वो यहाँ पर यानी कि स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाना वो यहाँ पर हो रहा है। 6 जनवरी को होने वाले पहले स्नान के पहले ही पूरी तैयारियां यहां पर सुव्यवस्थित कर दी गई हैं और इस तरह से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए आगे चलते हैं और दूर दराज से आए जो लोग बाग हैं
ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये गंगा जल वगैरह बोतल में भरें और लेकर अपने घर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये संगम नोच का नज़ारा है और बता दें कि यही वह स्थान है जहाँ प्रयागराज का प्रमुख स्नान होता है और यहीं पर तीनों नदियों का मिलन होता है। और ये दूर दराज से आए पर्यटक लोग हैं जो यहाँ पर स्नान करने आए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये अभी स्नान कर चुके हैं, तभी इनसे बातचीत भी करते हैं, थोड़ा सा पूछते हैं कि ये लोग आए कहाँ से, ये आप देख सकते हैं। और इन लोगों ने स्नान कर लिया आपने? नहीं अभी। कहाँ से आए हैं? हम लोग सिद्धार्थनगर जिले से। सिद्धार्थनगर जिले से पहली बार आना हुआ है? इससे पहले भी कभी? 2013 में आए थे। 2013 में इस बार माघ मेला में आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये दूसरी बार आना हुआ है आप लोगों का? आते जाते रहते हैं ऐसे परस्पर? हाँ, आते जाते रहते हैं। आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप साथ में लेकर आए हैं क्या? नहीं नहीं, ये लोग आए हैं साथ में, फिर इधर हम लोग साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ये लोग सिद्धार्थ नगर से जो है चल कर आए हैं और कुछ लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी करते होंगे या तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहे होंगे। तो कुछ ऐसा है आलम इस वक्त प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2023 का, जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने। दोस्तों, इस तरह से आज हमने आपको प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2023 की तैयारियों का नज़ारा दिखाया, जिसमें कि प्रयागराज के प्रमुख स्थान यानी कि त्रिवेणी संगम का नज़ारा दिखाया। तो आपने देखा कैसे चले हैं यहाँ पर तैयारियाँ, और जैसे कि 6 जनवरी को पहला स्नान है, तो पहले स्नान के पहले ही यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो पाई हैं, नहीं तो आपने देखा यहाँ पर कासा वगैरह बिछा दिया गया पूरे पूरे परिक्षेत्र में, और महिलाओं के वस्त्र बदलने हैं जो कैंट बनाए जाते हैं वो भी बन चुके हैं, और साथ ही स्नान घाट काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर दुरुस्त किया गया है। तो आपने देखा, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज की यात्रा को, ताकि इसी तरह के शानदार वीडियो लेकर आप लोगों से मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।